नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के मेरे YouTube चैनल पे। मैं अभी खड़ा हूँ देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम के मंदिर के प्रांगण में और मैं आप लोगों को आज यहाँ का श्रृंगार पूजा दिखाऊंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मंदिर खुलेगा या नहीं खुलेगा, श्रावण मेला होगा या नहीं होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये भोलेनाथ का मंदिर है और इधर माता पार्वती का मंदिर है, तो और उधर सारे मंदिर हैं। यहाँ पे टोटल जो है 22 देवी देवताओं के मंदिर है। मैं एक दिन किसी दिन वीडियो बना के अपलोड करूँगा, 22 मंदिर का दर्शन भी आप लोगों को मैं कराऊंगा। तो चलिए इन्हीं खूबसूरत लम्हों के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बड़े को प्रणाम, छोटों को प्यार, मेरी उम्र वालों कैसे हो यार, मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हो ट्रेवल विथ निखिल। मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं, मैं उन लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कॉल करना थोड़ा मुझे कम कर दे, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, थोड़ा मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत सारे मेरे पास कॉल आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को मंदिर के बारे में जानकारी लेना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ से आप जानकारी लें, वहाँ मैसेज आप मुझे करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे जाके फॉलो करें और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि किस डेट को मंदिर खोला जाएगा, श्रावणी मेला लगेगा या नहीं लगेगा। 2 से 7 जुलाई के बीच में मंदिर खोलने का बात हुआ था, जैसे मेरा पिछले वीडियो में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो आई बटन में आ रहा होगा, आप लोग जाके वीडियो देखो पहले। तो 2 से 7 जुलाई के बीच में मंदिर खोलने का बात हो रहा था लेकिन वो कैंसिल कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और 8 जुलाई को फिर मीटिंग हुआ हमारे पंडा धर्मलक्ष्मी के महामंत्री जी और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी के बीच में, और मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम मुझे और 10 दिन का समय दीजिए, मैं 10 दिन के बाद आप लोगों को सोच के बताता हूँ कि मंदिर खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। तो 18 जुलाई तक मुख्यमंत्री जी ने टाइम मांगा है, उसके बाद अगर 18 जुलाई को मंदिर नहीं खुलता है तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल सावन में मंदिर खोला जाएगा। अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है मुख्यमंत्री जी पे तो कुछ गाइडलाइंस को लेके मंदिर को खोला जाएगा, और मेरे ख्याल से एक दिन में ज़्यादा श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री नहीं दिया जाएगा। और अभी जो मंदिर खोला गया है वो सिर्फ हम लोगों के लिए, तीर्थ पुरोहित के लिए खोला गया है, यहाँ का लोकल पंडा बाबा के लिए मंदिर खोला गया है, और यहाँ के जो देवघर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी नहीं खोला गया है। तो जैसे ही मंदिर खुलता है मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो चलिए आप लोगों को हम माँ काली का श्रृंगार और बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार भी आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम आप लोगों को भोलेनाथ का दर्शन कराते रहूँ वीडियो के माध्यम से, तो आज भी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही भोलेनाथ का दर्शन कराऊंगा। और इस कोरोना में आप लोग घर पे ही रहें, अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, अभी मत ही घर से निकले तो अच्छा है। तो चलिए चलते हैं बाबा मंदिर का श्रृंगार पूजा दर्शन देखते हैं। ये माँ काली का मंदिर है। बाबा मंदिर में श्रृंगार होने से पहले यहाँ पे माँ काली का श्रृंगार होता है, उसके बाद ही बाबा मंदिर में श्रृंगार होता है। तो माँ काली का श्रृंगार के बाद अब हम जाएंगे बाबा मंदिर के अंदर। हरे गुरु
तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ भोलेनाथ का श्रृंगार समाप्त हो चुका है। आप लोगों को श्रृंगार पूजा कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। बोलिए बाबा वैद्यनाथ की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप लोगों को अभी हम बाहर जाके आरती भी दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा, पहले माता काली का श्रृंगार मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार दिखाया, अब मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ माता पार्वती का। तो आप ये देख सकते हो, ये गौरा पार्वती और ये माँ पार्वती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम, जय माता दी, जय वैद्यनाथ।